लगी हुई थी सरसों के बाद, सरसों लगी हुई थी तो सरसों के बाद क्या हुआ कि ये एक प्लेस बनाया गया। प्लेस के बाद ये देखिए आपको कितनी प्यारी और कितनी राजस्थानी मिट्टी, बिल्कुल मलयागिरी हिसाब से आप देख सकते हैं। थोड़े दिन बाद हम लोग मिट्टी से ही उत्पन्न हुए हैं, मिट्टी में ही मिलना है, मगर उस बीच के रास्ते में कुछ ऐसा काम करके जाना है जो हमारा, हम तो नहीं रहेंगे ना आप रहेंगे, मगर जो पुश्तें हम लोगों की आएंगी वो हमेशा हमको याद करें। तो उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि देखिए इतने शायद इसकी गहराई होगी 4x6 गहराई से, अब इसकी गहराई और दी जाएगी, ऐसे ही एक बिल्डिंग यहाँ पे तैयार की जाएगी जो बहुत दूर दराज से बच्चे आएंगे और इसी में शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो जो भी ये कार्य कर रहा है उसको मेरे लिए दिल से धन्यवाद और मैं सच उसे नमन करता हूँ। और आपको मेन चीज़ मेरा बताने का यही उपदेश है कि आज आप इस मिट्टी को देख लीजिए, कुछ दिन बाद यहाँ एक बहुत भव्य बिल्डिंग खड़ी होगी, उसमें हमारे और आपके बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो हमेशा क्या है मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि हमेशा इस मिट्टी से, इस अपनी मातृभूमि से मिल के रहना है और इसी मिट्टी में मिलना है। तो क्यों ना एक कार्य हम सुबह सुबह मिट्टी को भी नमन करें।